ग्रेट पीपल आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ले। और जिस चीज का हम सबको बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार था कि भैया टर्न टू कहां है, टर्न टू कहां है, तो ये जो टर्म टू है, मैं तुम लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, जो तुम्हारे टर्म टू होने वाली है पढ़ले के ऊपर और जो चीजें हम तुम्हारे लेके आने वाले हैं, बहुत ही तगड़े खतरनाक सरप्राइजेस तुम लोगों को लेके आने वाले हैं, तो तुम सोच भी नहीं सकते ऐसी चीजें होने वाली है। और लेजिट मैं तुमको बता रहा हूं, मैं हर बार सेफ खेलता हूं कि यार मतलब जो चीज ला रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट होगी, वन ऑफ द बेस्ट होगी, वन ऑफ द बेस्ट होगी, पर आज मैं कह सकता हूं कि जो चीज हम लेके आने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी दी मोस्ट रेवोल्यूशनरी थिंग जो तुमने अभी तक देखी हो, स्पेशली 9th और 10th के अंदर। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो भाई तुम लोगों को अभी सरप्राइज, थोड़ा सा मैं टीज कर दूं कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज आने लगे तुम्हारे लिए टर्म टू के लिए। पूरी प्रिपरेशन तुम्हारी बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट करवा के की जाएगी। और इनफैक्ट सिर्फ अब यहां पर साइंस सोशल साइंस की बात नहीं कर रहे हम, यहां पर सारे सब्जेक्ट्स की बात करें, और उससे भी ज्यादा हम बहुत ही सारे खतरनाक फीचर्स के बारे में बात करने वाले। तो जो प्रॉपर स्ट्रक्चर तुम्हारा होगा, जो पूरा का पूरा एक कोर्स की तरह तुम लोगों को दिखेगा कि यार सारे के सारे चैप्टर से, सारे के सारे लेक्चर से, सारी होने वाले, और तुम सोच भी नहीं सकते ऐसा सरप्राइज में होने वाला है। बट फॉर नाउ ये चीज तुम लोगों को ऑलरेडी बता दूं कि टर्म वन जो है बहुत सारे मैक्सिमम लोगों के स्कूल्स में खत्म हो चुकी है। बहुत सारा कंफ्यूजन था टर्म वन के टाइम पे, आई नो कि यार कुछ लेक्चर जो थे मैथ्स वगैरह के वो नहीं आ पाए थे, उसका कारण ये था क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में टर्म वन हो चुकी थी, 50% या 52% जो मैंने पोल भी डाला था, और बहुत सारे लोगों के स्कूल्स में नहीं भी हुई थी। तो उस टाइम पे कुछ मतलब 50% से थोड़े से ज्यादा लोगों की जो टर्म वन है वो एग्जाम्स खत्म हो चुकी थी और कुछ लोगों की बची हुई थी। अब जिन लोगों की बची हुई थी उसमें भी चैप्टर जो थे वो मैथ्स हो चुका था, ये हो चुका था, वो हो चुका था, क्योंकि टेंथ जैसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल एक सही तरीके से हमारे पास में हो स्ट्रक्चर की यार सारे स्कूल्स में इस टाइम पे हो रही है। ये 9th है, कोई भी स्कूल अपने हिसाब से करा सकता है, पहला पेपर कोई और हो सकता है, दूसरा कोई और हो सकता है, तो वो चीजें आगे पीछे हो सकती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए टर्म टू के लिए तैयारी बहुत फुल फ्लेज्ड तरीके से स्टार्ट हो गई थी, मैं तुमको बता नहीं सकता। ये वीडियो इतनी लेट इसलिए आ रहा है, इसमें तुम सोचोगे यार इतना दिन लगा, इतने लगे भैया का चले गए यार ये क्या हो गया। मैं तुम लोग बोलता हूं कि भैया कहीं नहीं गए, ठीक है, तुम्हारे लिए काम चल रहा था, पढ़ले की जो टीम है वो तुम्हारे लिए ही काम कर रही थी। और इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज आने वाली, तो जो हमारी टर्म टू की जो प्रिपरेशन होने वाली है, मैं तुमको बता दूं टर्म टू के अंदर तुमने आज तक अगर तुमने जो स्ट्रक्चर हम लेके आने वाले हैं वो अगर तुमने फॉलो किया, मैं तुमको इस बात की गारंटी देता हूं कि आज तक के तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर बनेंगे, सबसे ज्यादा परसेंटेज बनेंगे, कुछ भी हो जाए बहुत तगड़ी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी टर्न आने, तो मेक श्योर कि अगर तुम लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर करो, और हमको अगले 3-4 दिनों के अंदर 1,00,000 का टारगेट पूरा करना है ताकि हम इस सरप्राइज को बहुत खतरनाक तरीके से सेलिब्रेट कर पाए। तो भाई टर्म टू के अंदर क्या क्या चैप्टर सारे, क्या क्या एक ओवरव्यू है टर्म टू का वो हमको दे लेते हैं, क्योंकि अब हम टर्म टू स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब से लेके ये जो मैं सरप्राइज की बात कर रहा हूं ये रिवील होगा 15 तारीख को, 15th of December को। तो ये जो सरप्राइज है इसकी रिवील की थोड़ी सी डेट मैंने तुम लोग ऑलरेडी बता दी, बड़े 15 दिसंबर को बहुत खतरनाक चीज आने वाली 9th और 10th दोनों के लिए। तो मतलब तुम बिल्कुल एक्साइटेड होकर बैठो कि यार 15 तारीख का वेट करो, बस ऐसा सब कुछ भूल भाल के यार 15 तारीख का वेट करो और काउंटडाउन वगैरह लगा दो इंस्टाग्राम पर, जो तुमको करना करो, बट 15 तारीख मार्क करके रखो, ठीक है। तो एक ओवरव्यू लेते भैया टर्म टू क्या है, कैसा है, तो हमको थोड़ा बताओ तो सही कि टर्म टू का क्या हालचाल है। वैसे तो हमने इतना जैसे आपने बताया नहीं, तो हमने देखा भी नहीं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक देखा भी नहीं होगा कुछ कि टर्म टू क्या है। तो भाई टर्म टू के अंदर तुम्हारे जो साइंस है उसमें बहुत ही इजी चैप्टर्स आने वाले, केमिस्ट्री के अंदर 2 चैप्टर आएंगे, ये तुम एनसीईआरटी में मार्क कर लो। केमिस्ट्री में तुम्हारे पास आ रहा है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर उसके बाद बायोलॉजी में सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर, वो भी इतना फुद्दू चैप्टर है, इतना फुद्दू चैप्टर है कि उसमें कुछ भी नहीं, इट इज व्हाई डू वी फॉल इल, बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। फिर फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर हमारे पास में ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी पावर, भाई ग्रेविटेशन में तुमने बता दू उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो हो चुकी है, ठीक है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब पाइलअप होते जा रहे, और जो कोर्स है वो बहुत तगड़ी तरीके से प्लानिंग हो रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशन की भाई बहुत ही खतरनाक रिकॉर्डिंग है, तुमको मजा ही आ जाएगा देखने में। तो ग्रेविटेशन है, फिर उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ्स पे आते हैं, मैथ्स में हमारे पास कितने चैप्टर है, मैथ्स में हमारे पास में है 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर से बहुत सिंपल है। पॉलीनोमियल्स, अगेन पॉलीनोमियल्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, बहुत तगड़ी रिकॉर्डिंग है, तुमको मजा आ जाएगा देख के। तो पॉलीनोमियल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है, सर्कल्स है, कंस्ट्रक्शन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, और प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नहीं उसमें, पॉलीनोमियल्स बहुत सिंपल चैप्टर है, क्वाड्रिलेटरल्स और सरफेस एरिया, क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स, ये दोनों जो ये दो चैप्टर्स हैं ये थोड़े से तुमको कंसेप्ट वाइज लगेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अगेन सिंपल चैप्टर है, बस फॉर्मूला लगाना, और फॉर्मूला एक फॉर्मूला से एक एक्सरसाइज, एक फॉर्मूला से एक एक्सरसाइज, इस टाइप का वो होने वाला है। सर्कल जो चैप्टर वो सर्कल्स और क्वाड्रिलेटरल्स थोड़े से अच्छे हैं, उसमें करने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। और कंस्ट्रक्शन जो है भाई वही कंस्ट्रक्शन के जो वही है, एक तुमको कंस्ट्रक्शन सीखना और फिर पूरी से एक्सरसाइज होगी, एक कंस्ट्रक्शन से पूरी एक एक्सरसाइज होगी, तो वैसी चीज है। फिर सोशल साइंस यहां पर तुम्हारा थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, ठीक है, इसमें तुमको बहुत मजा आएगा सोशल साइंस के अंदर, क्योंकि यहां पर जो चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के अंदर 2 चैप्टर्स हैं, सोशलिज्म इन यूरोप और नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास में ज्योग्राफी में चैप्टर्स हैं ड्रेनेज, क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ड्रेनेज, क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें से ड्रेनेज चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसको तुम भूल जाओ, वो उससे सिर्फ हमारे मैप के क्वेश्चन बनना है, तो मेन थ्योरी हमको उस चैप्टर के बिल्कुल नहीं पढ़ना है।
अगले जो सिविक्स के अंदर चैप्टर है, सिविक्स के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, एक आ रहा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और एक आ रहा है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये भी थोड़े से चैप्टर है जिसमें तुमको पढ़ने में मजा आएगा, हिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बाकी ज्योग्राफी जो है वो बहुत ही ज्यादा एक जनरलाइज है, ठीक है, तुमको जगहों के नाम याद करने पड़ेंगे वो है। उसके अलावा सिविक्स जो है, सिविक्स अगेन इजी भाई, मॉरल वही सिविक्स ज्यादा होता है, ज्यादा कुछ नहीं उसमें, वो एक आंसर बहुत बार हम तुम लिख सकते हो। सबसे अच्छी बात और बुरी बात भी कह सकते हो कि ये जो एग्जाम होने वाली है ये होगी सब्जेक्टिव, तो इसके लिए तुमको प्रिपरेशन बहुत सही करनी पड़ेगी, मतलब जो प्रिपरेशन हम कराएंगे बहुत मजा आएगा तुमको करने में, तो प्रिपरेशन तो होनी चाहिए। बट इसमें देखो सब्जेक्टिव में नुकसान ही होता है कि तुमको आंसर्स पता नहीं होता और वो एक्चुअल एग्जाम होती है। अभी एमसीक्यू हमको सकता नहीं, कह रहे हैं ठीक है एमसीक्यू तो है, बट वो एग्जाम एक्चुअल एग्जाम होगी जिसमें हमको डर भी लगेगा, ठीक है, एग्जाम आते आते हमारा थोड़ा डर भी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस भी होगा, पर तुमको उसकी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि उन सारी चीजों का ध्यान यहां पर रखा गया है। तो कहीं भी मत जाओ, 15 तारीख तक तुमको वेट करो, तुमको मजा आ जाएगा, मैं तुमको गारंटीड बता रहा हूं, ठीक है। फिर हमारे सिविक्स के अंदर दो चैप्टर हुए, इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक है जो कि पॉवर्टी एज अ चैलेंज, वो भी बहुत सिंपल चैप्टर है, तो मतलब एक दो दिन पहले पढ़ने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे मेन फिजिक्स साइंस और साइंस मैथ्स और सोशल साइंस के अंदर। बाकी इंग्लिश के अंदर हमारे पास में कितने चैप्टर सर, इंग्लिश के अंदर हमारे पास में आ रहे हैं कुछ आई गेस एक अच्छा ये तो रीडिंग और ग्रामर वगैरह हो गया। लिटरेचर के अंदर हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 मतलब कुछ 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 8-11 चैप्टर के आसपास कुछ आ रहे हैं, ठीक है, पोएम वगैरह सब मिला के और 10-11 के आसपास। तो ये सारी चीजें होने वाली है, बट अगर तुम लोगों को बताऊं तो टर्म टू जो है तुम्हारी डेफिनेटली मैं तुमको बताऊं, अगर देखो तुमको पता है कि मैं फालतू का ऐसे तुमको डराता भी नहीं और फालतू का ऐसा नॉन यूजफुल है नॉन प्रैक्टिकल एंड नहीं देता हूं कि ये चिंगारी लो और इसे पूरा खेत जला दो, ठीक है। बहुत टाइम के बाद डायलॉग बोल रहा हूं, बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मतलब वीडियो तो बहुत सारे बने हुए पर ये डलने वाला वीडियो भी बन रहा है। तो मैं तुमको बता दूं कि टर्म टू डेफिनेटली डिफिकल्ट होने वाली है, ठीक है, टर्म वन से के कंपैरिजन में हल्की सी डिफिकल्ट होगी। मैं तुमको फालतू में ऐसे फॉल्स ये नहीं दूंगा, फॉल्स उम्मीद कर रहे, बहुत सिंपल होगी, सिंपल जरूर होगी, बट अगर कंपेयर करूं टर्म वन वर्सेस टर्म टू तो एक जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी वो टर्म टू ही होगी, क्योंकि सब्जेक्टिव है, सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, और जो चीजें हैं वो थोड़ी सी ऐसी कि यार हाँ मतलब अब थोड़ी अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे हमने टर्म वन के अंदर भाई मोशन चैप्टर पढ़ा, तो अब हम उस मोशन चैप्टर की एप्लीकेशन यानी मोशन चैप्टर से हमको क्या क्या सीख मिली उसको ग्रेविटेशनल में अप्लाई करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है होने वाली है। तो उसके लिए टर्म टू के लिए तुम तैयारी बिल्कुल जोर शोर से रखना, बट अभी तुम लोग बताओ तो भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तुम्हारी टर्म टू की प्रिपरेशन की, मैं गारंटी देता हूं कि बहुत ही खतरनाक तगड़ी प्रिपरेशन हम करवाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता मत करो, कहीं मत करो, अरे बिल्कुल स्केड्यूल के साथ आएगी, बिल्कुल प्रॉपर स्केड्यूल के साथ आएगी, सारी चीजें ऑलरेडी प्रीमेड रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो टर्म जब हमने प्रिपरेशन करवाई थी तो टाइम हमारे पास में थोड़ा कम था और चीजें बहुत थर थी, अब हमारे पास में सिर्फ टर्म टू पे फोकस करना है। जब टर्म वन था तो हमको टर्म वन और टर्म टू दोनों के कंटेंट पे फोकस करना होता था कि यार टर्म वन का भी रेडी करना है, टर्म टू का भी करना है, अब सिर्फ टर्म टू का, टर्म वन तो गया, ठीक है। तो इसके लिए विद दैट बीइंग सेड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए तुम बिल्कुल एंजॉय करो, मजे करो और टर्म टू बहुत तगड़ा होने वाला है जिसका तुमको इंतजार था, वो चीज अब फाइनली आ रही है, ठीक है, गुड बाय।